गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब स्टडीज़ को रेगुलर कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे। कहते हैं अगर हमें अपना फ्यूचर बेस्ट बनाना है तो हमें अपना प्रेजेंट बेटर बनाना पड़ेगा। तो अब हमें प्रेजेंट में अगर हम स्टडीज़ रेगुलर करेंगे तो हमारा जो पास्ट है बहुत ही बढ़िया होगा, और पास्ट बढ़िया होगा तो फ्यूचर में हमें अपने आप को कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अभी हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा इफेक्ट है प्रेशर का, जिसमें हम हेनरी लॉ भी समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर है सॉल्यूशन, और जिसमें टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इज नॉट सो मच अफेक्टेड बाय प्रेशर एज द वॉल्यूम चेंजेस आर नॉट सो हाई। देखिए, सॉलिड्स को अगर हम लिक्विड्स में मिलाएं है ना, तो उसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी प्रेशर से, ठीक है। जबकि अगर हम गैस की सॉलिबिलिटी की बात करें है ना, लिक्विड्स में अगर हम गैस को अगर हम मिला दें, गैस मॉलिक्यूल को, तो उसकी सॉलिबिलिटी जो होगी एज कंपेरिजन सॉलिड की जो लिक्विड में सॉलिबिलिटी है, ज़्यादा इफेक्ट होगी प्रेशर से, जबकि जो गैस की सॉलिबिलिटी होगी वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, प्रेशर के साथ। 1803 में एक इंग्लिश केमिस्ट थे हेनरी, उन्होंने फाउंड किया कि जो सॉलिबिलिटी है गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी जब गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। फिर उन्होंने प्रपोज करा एक जनरलाइजेशन निकाला, जिसको हमने कहा हेनरी लॉ, ठीक है, जानते हैं जिसको हम हेनरी लॉ से। और हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, देखिए किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस का सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस इन द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ नहीं आई, थोड़ा टेक्निकल लिखा दो, बात समझो। इसमें क्या लिखा है, अगर कोई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि अगर एग्जांपल लें हम, अगर हम प्रेशर ऑक्सीजन का प्रेशर अगर हम डबल कर दें, और डबल कर दें ऑक्सीजन के अमाउंट को, तो वो डिजॉल्व होगा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैथमेटिकली जो हेनरी लॉ है एक्सप्रेस किया जाता है कुछ इस तरह, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट और ये मोल फ्रिक्शन, ठीक। वेयर पी इज द पार्शियल प्रेशर, जिसमें मैंने आपको बताया पार्शियल प्रेशर है गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स की बात करिए। इन लिक्विड्स, ओके, सॉल्यूशन एंड, देखो ये जो है वो उसको हम दिखाएंगे सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रिक्शन इन द सॉल्यूशन। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड द गैस, इट इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। द पार्शियल प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पास्कल। पार्शियल प्रेशर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पास्कल की टर्म्स ऑफ पीए। तो हम कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड ओवर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। के हैज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, के पास प्रेशर की डायमेंशन है, जहाँ पर के जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 1.8 बिकॉज ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे के कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पे वहाँ आइडियल सॉल्यूशन की बात हुई थी तो वहाँ के कांस्टेंट था। इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग रेशियो, देखो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के वर्सेज यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। चलिए अभी हम देखते हैं इसको। देखिए ग्राफ, जहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो उसकी वैल्यू जीरो ले रखी है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस आर गिवन टेबल 1.3, यहाँ पर कुछ गैसेस का हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है। जैसे हमने पढ़ा था ना भी कि ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब चीज़ों का,